पकबड़ा के हासमपुर चौराहा स्थित एएस पब्लिक स्कूल में वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्रबंधक अख्तर सैफी ने की व संचालन स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने पहुँचे पर्यावरण सचेतक समिति के नेपाल सिंह पाल व कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रही पर्यावरण विशेषक और पर्यावरण प्रेमी रविता पाल द्वारा पर्यावरण पर जागरूक किया गया। इस दौरान बच्चों को पर्यावरण को लेकर शपथ भी दिलाई गई। नेपाल सिंह पाल आज वन महोत्सव के प्रथम दिन एएस पब्लिक स्कूल हासमपुर चौराहा पागवड़ा में जो पौधरोपण करने जा रहा हूँ उस पौधे की देखरेख की और संरक्षण की जिम्मेदारी मेरी होगी। जब तक कि वो पूर्ण रूप से परवरिश न हो जाए और एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित न हो जाए और साथ ही मैं यह प्रण करता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी मुझे प्रकृति और पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाला कोई देखता है या नजर आता है तो मैं उसे रोकने का प्रयास करूँगा और उसे समझाऊंगा प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए उससे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लेने पहुंचे कस्बा इंचार्ज सौरभ त्यागी द्वारा वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वृक्षारोपण कर रहे पाकबड़ा कस्बा इंचार्ज सौरभ त्यागी द्वारा कहा गया कि आज प्रकृति से छेड़छाड़ के चलते ही पूरी दुनिया में प्रकृति के कहर से जनमानस को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रकृति को अपना दोस्त बनाएं और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। कम से कम अपने पूरे जीवन काल में हर पेड़ आवश्यक लगाएं। त्यागी जी, आज कहाँ पहुँचे थे और क्या किया गया आपके द्वारा? मैं आज यहाँ एएस पब्लिक स्कूल पाकवाड़ा में स्थित है, इसमें इनके प्रबंधक श्री अख्तर खान साहब के निमंत्रण पे यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम में आया था। तो आज जैसे प्रकृति एकदम रूप बदल रही है तो इसको पर्यावरण को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं आम जन को आप? पर्यावरण को लेकर आम जनता को यही संदेश है कि जितने वृक्ष लगाएंगे उतने ही हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। आजकल आप देख रहे हैं पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, उसका कहीं ना कहीं ये इस वजह से है क्योंकि हम प्राकृतिक से जितने दूर हुए हैं, जितने भौतिक संसाधनों के नज़दीक हुए हैं उसकी वजह से। हम अगर जितना प्राकृतिक के नज़दीक रहेंगे उतना रोगों से मुक्त रहेंगे। जीवन के लिए वृक्ष बहुत ज़रूरी हैं। वृक्ष हमारे बिना जी सकते हैं लेकिन हम वृक्षों के बिना नहीं जी सकते। पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल द्वारा कहा गया कि प्रकृति को बचाने के लिए यूथ को आगे आना होगा। हम अपने बच्चों को पेड़ लगाने की हिदायत करें क्योंकि सांसों की जरूरत के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और यही ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे उपलब्ध कराते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम पेड़ लगाएं। पढ़ते हैं आप एएस पब्लिक स्कूल। आज आपके इस स्कूल में क्या कार्यक्रम किया गया है? आज स्कूल में पौधे लगाए गए हैं। और क्या संदेश दिया गया है? कि हमें पौधे लगाने चाहिए, पौधे कब काटने नहीं चाहिए। पौधे ज़्यादा होंगे तो पृथ्वी स्वस्थ रहेगी। सबसे क्या अपील करना चाहोगी, सब लोगों से क्या कहना चाहोगी? कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप? एएस पब्लिक स्कूल। आज क्या कार्यक्रम हुआ है आपके स्कूल में? पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। क्या मैसेज दिया गया पेड़ पौधे लगा करके? क्या कहा है जो आए थे बाहर से मेहमान हमारे, उन्होंने क्या कहा आपसे? पर्यावरण संरक्षण पर अभियान चला रही पर्यावरण सचेतक रविता पाल द्वारा कहा गया कि आज हम कितनी ही ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये परेशानियां प्रकृति की छेड़छाड़ का नतीजा है, इसलिए सचेत हो जाए और पर्यावरण को बचाने का काम करे। स्कूल प्रबंधक अख्तर सैफी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर साफिया खातून, नरेंद्र कुमार सिंह, नेपाल सिंह पाल, रविता। एएस पब्लिक स्कूल चौराहा आजाद नगर पाकबड़ा में स्थित। क्या कार्यक्रम किया गया आज? ये आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। जैसे आज से वन महोत्सव शुरू हो रहा है तो आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनमानस को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने वातावरण पर्यावरण को बेहतर बनाएं जिससे कि मनुष्य का जीवन बेहतर सुचारू रूप से चल सके। अरे यहाँ पे पर्यावरण सचेत समिति के लोग पहुँचे थे। और थाने से कौन पहुँचे थे? थाने से SI त्यागी साहब ने आके यहाँ वृक्षारोपण किया। जनमानस से आपकी क्या अपील रहेगी इस कार्यक्रम को लेकर के? जनमानस से भी इस कार्यक्रम को लेकर यही अपील रहेगी कि अपने वातावरण को शुद्ध बनाएं, बेहतर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारा जीवन बेहतर हो।